नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। आर्यन खान केस, ईडी के रडार पर समीर वानखेड़े, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया केस। पाकिस्तान में मिलकर सरकार बनाने को तैयार नवाज, बिलावल अब भी 15 सीटों के नतीजे घोषित नहीं, इमरान समर्थक 99 सीट जीते। हल्द्वानी हिंसा में 6 की मौत, अब तक 4 गिरफ्तार, कर्फ्यू जारी, इंटरनेट बंद, INDIA का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलेगा। ओटी में प्री वेडिंग शूट करने पर कर्नाटक का डॉक्टर बर्खास्त, मंगेतर के साथ फेक सर्जरी की थी, हेल्थ मिनिस्टर बोले हॉस्पिटल पर्सनल काम की जगह नहीं। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार बॉर्डर सील करने का विरोध, मिजोरम नागालैंड के सीएम भी केंद्र के फैसले के खिलाफ, बड़े आंदोलन की तैयारी में कई संगठन। पीएम ने सांसदों से कहा साथ चलिए सजा नहीं दूंगा, बसपा टीडीपी भाजपा और बीजेडी मेंबर्स के साथ कैंटीन में लंच किया, बिल पीएमओ ने भरा। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश, लाभार्थियों से किया संवाद। भ्रष्टाचार पर एक्शन शुरू, प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी गलत पट्टे रद्द होने शुरू। मेयर चुनाव विवाद के चंद दिन बाद चंडीगढ़ को मिला मधुक तिवारी के रूप में मिला नया डीजीपी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा करने वालों ने आए नहीं, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। क्रैक के ट्रेलर में विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल का आमना सामना। बड़े मियां छोटे मियां का मेकिंग वीडियो आउट, अक्षय और टाइगर की जोड़ी जबरदस्त एक्शन सीन्स परफॉर्मेंस करती दिखी, फिल्म ईद पर होगी रिलीज। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। रामलाल कॉलेज दिल्ली ओलंपिक खेल की हॉकी में जीता। बार्ड्समैन को दक्षिण अफ्रीका की T20 विश्व कप टीम में चाहते हैं डेल स्टेन। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.7 अरब डॉलर बढ़ा। भारत सहित वैश्विक स्तर पर स्नैपचैट में आई आउटेज की समस्या, यूजर्स ने दी सूचना। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। फिलीपींस में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हुई, 89 लापता। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 28,000 के करीब। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।